Good morning students. Now in today's lecture, we are going to study about the PWM techniques for the output voltage control of inverter. Okay, तो inverter का जो output voltage को जो control करने की जो methods है उसमें total तीन methods हैं. First one है single pulse width modulation technique method. Second method है वो है multiple pulse width modulation technique method. And third one है sinusoidal pulse width modulation technique. ओके उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक. तो सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में एक पल्स होता है पर हाफ साइकिल. ओके जो मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है उसके अंदर नंबर ऑफ पल्सेस होते हैं पर हाफ साइकिल. ओके अब दोनों जो मेथड है दोनों मेथड में हम क्या करें कि जो एक सिग्नल रहता है उसको हम एज अ रेफरेंस सिग्नल लेते हैं, दूसरा जो सिग्नल होता है उसको हम एज ए कैरियर वेव सिग्नल लेते हैं, दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं एंड कंपेयर करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उससे हम गेट पल्स को जनरेट करते हैं. अब जो सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसको हम SPWM के नाम से भी पहचानते हैं. जो मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक मेथड्स है उसके अंदर जो पर हाफ नंबर ऑफ पल्सेस होते हैं सबकी जो विथ होती है वो सेम रहती है, जबकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक. ओके साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक. अब साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो एक सिग्नल लेते हैं कि जो अपन रेफरेंस सिग्नल रखते हैं. ओके तो जो रेफरेंस सिग्नल रहता है वो साइनोसोइडल वेव हम लेते हैं, जबकि जो कैरियर वेव सिग्नल होता है वो ट्रायंगुलर वेव रहता है. दोनों सिग्नल्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं एंड कंपेयर करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उससे गेट पल्स जनरेट किए जाते हैं. ओके अब जो मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है उसके अंदर पर हाफ साइकिल जो पल्सेस मिलते हैं तो सबकी विथ कैसे रहती है, सेम रहती है, जबकि जो साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक रहती है उसके अंदर जो पल्स की विथ होती है इट इज द फंक्शन ऑफ ट्रायंगुलर कैरियर वेव एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ साइनोसोइडल रेफरेंस वेव. यानी कि जो साइनोसोइडल वेव हम लेते हैं रेफरेंस सिग्नल ऐसे लेते हैं उसकी जो एंगुलर पोजिशन है ट्राइंगुलर वेव के साथ उसके ऊपर उसके पल्स की विथ डिपेंड करती है. ओके अब यहाँ पे जब दोनों सिग्नल्स होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं तब दो कंडीशंस होती है. एक कंडीशन रहती है कि जिसमें ट्रायंगुलर वेव जो रहता है वो उसके पीक वैल्यू पे रहता है. ओके एंड जो तो साइनोसोइडल वेव रहता है तो साइनोसोइडल वेव होता है वो ओरिजिन और ज़ीरो पोजिशन से शुरू होता है. मीन्स वैन ज़ीरो ऑफ द साइनोसोइडल वेव एंड पीक ऑफ द ट्रायंगुलर वेव कोइंसाइड एट दैट टाइम. सेकंड पोजीशन जो रहती है उसके अंदर क्या होता है दोनों ज़ीरो पे होते हैं, यानी कि साइनोसोइडल वेव भी ज़ीरो पे होता है एंड जो ट्रायंगुलर वेव होता है वो भी ज़ीरो पे होता है. यानी ये दो पोजीशन रहती है वेव्स की, उसके ऊपर से गेट पल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं. उसकी जो विड्थ होती है वो भी इन दोनों के कंपैरिजन पे डिपेंड करती है. जो नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल हमें जो मिलेंगे वो भी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर पोजीशन ऑफ साइनोसोइडल वेव विद ट्रायंगुलर वेव. ओके तो सबसे पहले हम वेव फॉर्म देखते हैं. तो वेव फॉर्म के अंदर एक सिग्नल लेंगे वो हम लेंगे ट्रायंगुलर वेव है उसको
तो ये जो है वो है हमारा कैरियर वे यानी कि ट्रायंगुलर वे। अब जो दूसरा जो मैग्नेटिक साइकिल में जो जाएगा आ जाएगा नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं उस टाइम पे हमें आउटपुट की वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें आउटपुट की वैल्यू मिलेगी। ओके, सेम वे यहाँ पे हमें पल्स मिलेगी। सो दिस इज द आउटपुट व्हाट इज उसको हम बोलेंगे गेट पल्स। हम यहाँ पे गेट पल्स को जनरेट करते हैं। गेट पल्स। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है तो ये जो वेवफॉर्म है तो वेवफॉर्म में देखिए जो साइनसोइडल वेव है उसकी जीरो पोजिशन एंड जो ट्रायंगुलर वेव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल, ओके, यहाँ पे है पाई, ये है टू पाई। ओके, तो ये जो है हाफ साइकिल तो पर हाफ साइकिल नंबर ऑफ पल्सेस कितना मिल रहे हैं? तीन। ओके, यानी एन पी इज इक्वल टू थ्री। ओके, अब यही वेवफॉर्म्स हम बनाएंगे बट जब साइनोसोइडल वेव होता है उसका जीरो जब ट्रायंगुलर वेव के जीरो के साथ कोइंसाइड करता है उस टाइम पे हमें कितने नंबर ऑफ पल्सेस मिलते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे वन जीरो ऑफ साइनोसोइडल वेव कोइंसाइड विथ पीक ऑफ ट्रायंगुलर वेव। ओके, अब दूसरे वेव को हम देखते हैं कि जिसके अंदर वन दिस इज द फर्स्ट पोजिशन इन सेकेंड पोजिशन वन जीरो ऑफ साइनोसोइडल वेव कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ ट्रायंगुलर वेव यानी कि दोनों वेव का जब जीरो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो दोनों का कोइंसाइड जो वेव है उसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम रहने चाहिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब दोनों जब साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक अपन यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो गेट पल्सेस जनरेट हो रहे हैं ओके तो इट एंड द विथ ऑफ द गेट पल्सेस आर डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर पोजिशन ऑफ साइनोसोइडल वेव विथ द ट्राइंगुलर वेव ओके तो इसके लिए उसके दो पोजिशन है फर्स्ट है इवन जीरो ऑफ साइनोसोइडल वेव कोइंसाइड विथ पीक वैल्यू ऑफ द ट्राइंगुलर वेव ओके सो इन फर्स्ट वेव फॉर्म You can see here zero of the sinusoidal wave is coincide with the peak value of the triangular wave. At that time you will get 1, 2 and 3, total 3 pulses per half cycle. Okay, but when zero of sinusoidal wave is coincide with zero of the triangular wave also, at that time you will get number of pulse is 2 yani ki you will get total 2 gate pulses in the output so mathematically we find out how this comes so humne equation dekha tha number of pulses per half cycle okay the number of pulse per half cycle is equal to what is the equation So, length of half cycle of reference signal divided by width of one cycle of triangular wave. Okay, so this is the equation for finding out number of pulses per half cycle. So, number of pulses per half cycle is equal to length of half cycle of reference signal divided by width of one cycle of triangular wave. So, here length of half cycle of reference signal, you can write it down like 1 by 2. Okay, where T is a time period. Same way width of one cycle of triangular wave, yani ki T at any time, TC, yani ki time period for the carrier wave signal. यहाँ पे हमें full signal लेना है, yani ki full length लेनी है. यहाँ पे क्या करना है? Half cycle consider करनी है. तो इसको हम by putting T is equal to 1 by F, you will get 1 by 2. FR divided by 1 by FC. So you will get equation is equal to 1 by 2 FR FC. So this is the final equation for finding out number of pulses per half cycle. So by using this equation, you can find out number of pulses per half cycle for the any output voltage of inverter okay now here if we want to find out number of pulses per half cycle for this waveform then np is equal to yahan pe kya lena hai length of half cycle of reference signal to humne reference signal kaun sa liya hai sinusoidal wave to sinusoidal wave ke liye half cycle kitni hai pi okay divided by width of one cycle of triangular wave okay width of one cycle of triangular wave to one cycle jo hai triangular wave ki uski width
कितनी होगी, ये जो है वो उसकी विथ हुई, तो विथ कितनी हो जाएगी, सो पाई बाय थ्री। ओके, सो पाई बाय थ्री, सो एन पी इज इक्वल टू थ्री, पाई पाई विल गेट कैंसिल आउट एंड नंबर ऑफ पर्सिस यानी कि एन पी इज इक्वल टू थ्री। ओके, सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सिस पर हाफ साइकिल। ओके, नाउ फिर से देख लेते हैं थ्योरी, साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। ओके, तो साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या करना है, तो जो साइनोसोइडल वेव होता है उसको एंड जो रेफरेंस, उसको रेफरेंस सिग्नल लेना है, यानी कि रेफरेंस सिग्नल एंड कैरियर वेव सिग्नल दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद गेट पल्स को जनरेट करना है। बाकी जो मेथड है उसके अंदर जो विथ है वो सबके लिए सेम रहेगी। ओके, बट हियर विथ इज द फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजिशन ऑफ द साइनोसोइडल वेव विद द ट्राइंगुलर वेव। ओके, तो इसके लिए जो साइनोसोइडल वेव है उसके लिए दो पोजिशन होगी। एक तो फर्स्ट है कि जब जीरो होगा साइनोसोइडल वेव का, वो ट्राइंगुलर वेव के मैक्सिमम यानी कि पिक वैल्यू है उसके साथ जब कॉइंसिडेंट करता है, तब तो उस टाइम पे हमें जो नंबर ऑफ पल्सेस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, तीन। सेम वे जो दूसरी पोजीशन है उसमें क्या होगा कि दोनों वेव जो है यानी कि कैरियर सिग्नल एंड रेफरेंस सिग्नल दोनों जीरो पे कॉइंसिडेंट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ पल्सेस है वो कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ पल्सेस विल टू। ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल, सो नाउ नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल इज इक्वल टू, वी हैव द इक्वेशन लेंथ ऑफ हाफ साइकिल ऑफ रेफरेंस सिग्नल डिवाइडेड बाय विथ ऑफ वन साइकिल ऑफ ट्राइंगुलर वेव। ओके, तो यहाँ पे एन पी इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ हाफ साइकिल ऑफ रेफरेंस सिग्नल यानी कि हमने कौन सा लिया है, साइनोसोइडल वेव। सो साइनोसोइडल वेव के लिए क्या होगा, हाफ साइकिल के लिए पाई। ओके, फुल साइकिल है वो टू पाई के, डिवाइडेड बाय विथ ऑफ वन साइकिल ऑफ ट्राइंगुलर वेव, जो ट्राइंगुलर वेव है उसकी एक जो है उसकी विथ कितनी होगी, पाई बाय थ्री। तो हमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एन पी कितना मिलेगा, नंबर तीन। ओके, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल। नाउ हियर जब भी नंबर ऑफ पल्सेस हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज इक्वल टू वी आर बाई वी सी। ओके, सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ओके हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इट इज द रेशियो ऑफ वी आर बाई वी सी। अब जो साइनोसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है अगर उसकी वैल्यू यूनिटी से कम होती है तो उस टाइम में हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स हमें मिलती है, बट जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स हमें मिलती है उसका जो ऑर्डर रहता है वो एफ सी बाई एफ आर प्लस और माइनस वन और टू एम पी प्लस और माइनस वन के हिसाब से मिलता है। ओके, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज लेस देन यूनिटी एट दैट टाइम। ओके, सेम वे अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है उसकी वैल्यू जो हायर देन वन होती है, सो उस टाइम पे जो वेव फॉर्म्स रहते हैं उसके अंदर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं वो अपियर होते हैं। अब जब भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो यूनिटी से कम रहता है तो उस टाइम पे सेवन्थ हार्मोनिक्स नाइन्थ हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं आउटपुट में। ओके, बट जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है उसको हम फिल्टर का यूज़ करके इजीली सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि अगर नंबर ऑफ पल्सेस है पर साइकिल में बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्विचिंग है SCR का वो बढ़ जाएगा, एंड SCR का स्विचिंग बढ़ता है तो उसकी वजह से स्विचिंग लॉसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। स्विचिंग लॉसेस बढ़ रहे हैं मीन्स इट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द इन्वर्टर। ओके, जबकि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू यूनिटी से ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं
वो सर्किट के अंदर यानी कि आउटपुट वोल्टेज के अंदर अपीयर होते हैं. तो दिस इज द थ्योरी ऑफ द साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक. एंड यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन एक्सप्लेन साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर द वोल्टेज कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड इन सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पल्सिस फॉर द इन्वर्टर आउटपुट. यानी कि ये जो पूरा इक्वेशन है वो आपको डिराइव करना है.